हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकार ट्रेडर्स। कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ध्यान में रखिएगा। मंथली एक्सपायरी है, क्या पोजीशन है आपके पास, कॉल है या पुट है? क्या आप डर रहे हैं मार्केट से कल किस तरफ जाएगा? छोड़िएगा मत वीडियो को, क्लियर डायरेक्शन दूंगा कौन सी कॉल बन सकता है कल के लिए हीरो, ये भी मैं आपको आज यानी कि एक दिन पहले पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट डे मंथली एक्सपायरी। किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सी कॉल या कौन सी पुट में हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। आपको ये निफ्टी का चार्ट, सिंपली चार्ट एंड बैंक निफ्टी का चार्ट के साथ मैं समझाऊंगा कल कौन सी ऑप्शन पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले मैं फोकस डालूंगा निफ्टी का ऑन डे का चार्ट में। देखिए, कल जब मैं निफ्टी का वीडियो बना रहा था, आई थिंक उस टाइम पे कुछ रॉन्ग डेटा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया था, जिसके कारण कैंडल जो मुझे दिखाई दे रहा था फुल होता हुआ दिखाई दिया था। अगर ये कैंडल बनता तो इसका मतलब ये होता कि इससे नेक्स्ट डे और आपको पॉजिटिव जाना चाहिए, राइट? बट कल मैं निफ्टी का वीडियो में जो मैं एक लेवल बताया था, आज मॉर्निंग पे भी आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही क्लियरली मैं यहाँ पे सजेस्ट किया था कि कौन सी लेवल के ऊपर आपको बाइंग करना चाहिए। हर रोज मैं ये वॉइस मैसेज दे के लाइव मार्केट वीडियो बना के मैं आपको लाइव मार्केट में हेल्प करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे जो मैं दो कॉल दिया था, एक बैंक निफ्टी और एक निफ्टी, दोनों कॉल आपको शानदार परफेक्ट टारगेट मिलता हुआ मिला। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग किए होंगे, अगर आपके पास ट्रेडिंग सेटअप है तो पुट साइड में बहुत शानदार मौका मिला होगा दोपहर के बाद, लेकिन मैं ज़्यादातर दोपहर के बाद ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, जिसकी वजह से पुट साइड का मौका हमारे हाथ से निकल गया होगा। चलिए दोस्त, यहाँ पे मैं आपको छोटी टाइम फ्रेम के साथ बताता हूँ, और मेन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्लोबल मार्केट का स्थिति, ग्लोबल मार्केट का स्थिति किस तरह आ रहा है। ग्लोबल मार्केट से एक क्लियर इंडिकेशन हमारे को आ रहा है, जो आज रात को इस लेवल से नीचे अगर मार्केट चला तो ग्लोबल मार्केट में एक रेड कैंडल फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। डाउ जोन के ऊपर क्या स्थिति है, तो डाउ जोन के ऊपर भी सेम स्थिति है कि डाउ जोन अगर इस लेवल के नीचे बना तो ये भी थोड़ी सी यहाँ से डाउनफॉल आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? ये क्लियर है ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में अगर रेड कैंडल बनेगा तो इंडियन मार्केट भी रेड का निशाने पे चलेगा, लेकिन बात यह है कि क्या आपको सुबह मौका मिलेगा पुट साइड के लिए। देखिए, ये मेन बात है। तो पुट साइड का मौका ढूंढने के लिए आपको कौन से लेवल में बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इस लेवल पे आपको मौका मिल जाता है तो आप इस लेवल पे पुट साइड लेंगे, उससे पहले पुट साइड नहीं लेंगे। लेवल क्या है? लेवल होगा आपको नियर अबाउट 18,300। अगर ये आपको मौका मिल जाता है किसी वजह से और यहाँ से एक डाउनफॉल आता है तो यहाँ पे आपको पीई कैरी करना है। अब बोलेंगे सर कौन सी पीई करो, अगर आप हीरो जीरो बनाना चाहते हैं तो आप छोटी स्ट्राइक प्राइस वाला पी, अदरवाइज आप अगर फिक्स प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलना चाहते हैं तो 18,300 का पी आपको कैरी करना होगा, जब इस लेवल तक आके डाउन साइड का मौका आपको मिलेगा, राइट? बहुत क्लियर है। अब बोलेंगे सर निफ्टी कितना नीचे जा सकता है, तो मैं अगेन बताऊंगा निफ्टी आपको 18,000 तक नीचे जा सकता है, लेकिन एक कल के लिए नहीं, आपको आगे आने वाले एक दो दिन तक। आपको जो ट्रेंड लाइन में दिखाया था, कल जो मैं ट्रेंड लाइन दिखाया था बहुत क्लियरली, आप अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किए होंगे तो इस ट्रेंड लाइन को हमने सुबह के सेशन में ही डाउन ब्रेक होता हुआ दिखा था। अब मैं नेक्स्ट डे के लिए जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, उस ट्रेंड लाइन का भी नीचे मार्केट आ चुका है, इस ट्रेंड लाइन का भी नीचे मार्केट आ चुका है, यानी कि इस लेवल पे आपको मौका मिल जाता है तो आप यहाँ पे पुट साइड कैरी करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस बहुत क्लियर होगा अगर इस जो लेवल मैं ड्रॉ किया हूँ, यानी कि इसका प्राइस क्या दिखाई देने को मिल रहा है, 18,270, यानी कि आपको जो पुट पोजीशन कैरी करना है वो भी आपको 18,270 इस लेवल को एक बार टच करके डाउन होता है तो आप पुट साइड कैरी करेंगे। इसके ऊपर अगर सस्टेनेबल हो जाता है तो आपको कोई पोजीशन नहीं कैरी करना है, जब तक ना 18,330 and 270 के बीच में रहेगा। क्लियर है? आई थिंक इससे ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियरली एक बियरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। दो दिन का जो लेवल था, इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया पॉजिटिव साइड में। इसका मेन कारण क्या है, कल मैं बार बार, एक बार नहीं कई बार मैं आपको समझाया था, एक्सिस बैंक का रिजल्ट आ रहा है। अगर एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया खराब तो आपको मार्केट डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, कि एक्सिस बैंक मार्केट को नीचे खींच सकता है। एक्सिस बैंक का थोड़ा सा सहारा अगर मार्केट को मिल गया तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। और आज सुबह से हम देख पा रहे हैं कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट आने के बाद एक्सिस बैंक किस प्रकार से यहाँ से गिरा हुआ है, किस प्रकार से एक्सिस बैंक गिरा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक दोनों में शानदार तेजी दिखाई दिया था,
एचडीएफसी बैंक अभी तक मार्केट को साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी जो सिचुएशन आके रुका हुआ है, इस सिचुएशन पे एचडीएफसी बैंक और डाउन जा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक डाउन हो गया है, आईसीआईसी बैंक आपको डाउन का इशारा कर रहा है, एसबीआई बैंक थोड़ा सा थकावट महसूस करेगा जब बाकी बैंक डाउन आएगा, राइट। तो अगर चारों बैंक हमारा डाउन साइड का इशारा कर रहा होगा तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली डाउन साइड आएगा, क्लियर है। अब मैं बैंक निफ्टी किस लेवल के नीचे आप पुट कैरी करेंगे, कहाँ पे आपको मौका शानदार मिलेगा, ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा और इसको मैं क्लियरली समझा दूंगा जी। इस लेवल पे नीचे आप पुट साइड बाय करेंगे और कौन सी पुट बाय करेंगे, क्या आपको टारगेट रहेगा, ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो है 41,000, ठीक है, नियर अबाउट 41,000 के करीब आपको अगर मौका मिलता है, ये आपको एक शानदार मौका मिल सकता है, तो वहाँ पे आप पुट साइड कैरी कीजिए। दूसरी पोजीशन सबसे बेटर मौका कहाँ पे मिलेगा आपको, अगर और नीचे आता हुआ दिखाई देता है 40,800 से नीचे, 40,800 से नीचे आपको सुबह सुबह का मौका मिलता है, तो फर्स्ट मॉर्निंग पे ही आपको 40,800 का पुट पे शानदार प्रॉफिट मिलेगा। और ये आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा कहाँ तक, 600 तक। एक्सपायरी के डे में अगर सुबह सुबह अगर 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको मिल जाता है तो आपको ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा, क्लियर है। अब अपसाइड में रेसिस्टेंस कहाँ है, अपसाइड में रेसिस्टेंस है 41,200, 200, 250, ये जो लेवल है ये आपको एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर किसी वजह से मार्केट पॉजिटिव साइड चला जाता है तो ये आपको रेसिस्टेंस बनेगा, अदरवाइज इस लेवल पे अगर मौका मिल जाता है डाउन साइड आने का तो ये आपको शानदार मौका मिलेगा। आपको मैं तीन पोजीशन बैंक निफ्टी के लिए बता दिया हूँ, या तो फिर इसका करीब आपको पोजीशन मौका ढूंढना है डाउन साइड का, या तो फिर इससे नीचे मार्केट ओपन हो रहा होगा। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा केयरफुली हो जाइएगा, ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो एक बाउंस बैक मार्केट में आ सकता है, क्लियर है। अब डाउन साइड में रहेगा इतना अभी तक क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलूंगा और ऑप्शन चेन में क्या स्थिति है, तो कल जैसे ऑप्शन चेन में पॉजिटिव रुझान था और आज ऑप्शन चेन पे नेगेटिव रुझान है, तो हमें मार्केट के साथ चलना चाहिए, मार्केट को छोड़कर तो हम चले नहीं सकते। तो मार्केट को जो करंट डेटा हमें सामने आ रहा है उसी डेटा के साथ हमें प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो करंट डेटा क्या आ रहा है, एट द रेट मनी के ऊपर मैं लाइन खींच दिया हूँ और एट द रेट मनी के ऊपर हमने जो देख पा रहे हैं 18,250 एंड 18,300 जो मैं टेक्निकली बताया हूँ। तो 18,300 अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस कर रहा होगा और सपोर्ट के लिए दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, दूर दूर तक कोई सपोर्ट पुट साइड के लिए नहीं मिल रहा होगा, तो हमारा रेजिस्टेंस के तौर पे क्लियर हो गया है। 18,300 हमें रेजिस्टेंस फेस करना है, इसको रेजिस्टेंस मान के पुट साइड कैरी करना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन हम ओपन करें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में हम बात करेंगे कि किस जगह पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमें एज पर ऑप्शन चेन दिखाई देने के लिए मिल रहा है। तो एज पर ऑप्शन चेन हम आ गए हैं, एट द रेट मनी के ऊपर मैं लाइन खींच दिया हूँ और इस एट द रेट मनी से हम कंपेयर करेंगे कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। तो रेसिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 41,000, जैसे कि आपको टेक्निकल चार्ट में मिला था सेम हमें ऑप्शन चेन पे भी यही दिख रहा होगा। सपोर्ट के तौर पे आपको फर्स्ट ऑफ सपोर्ट जा रहा है 40,600, बहुत ही मामूली सी सपोर्ट, ओके बहुत ही मामूली सी सपोर्ट 40,600 पे दिखाई दे रहा है। अब मैं पिन पॉइंट जो डाउन साइड की बात कर रहा हूँ कल, वो कहाँ तक जा सकता है, पिन पॉइंट डाउन साइड की बात करूँगा, वो भी मैं लॉजिक में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन के माध्यम से मैं समझा देता हूँ लॉजिक क्या है। आपको जो ये गैप अप छोड़ के गया था मार्केट, ये जो गैप अप छोटी से गैप अप छोड़ के गया था आप दिखाई दे रहा होगा, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो गैप को फिल करने के लिए आएगा तो कहाँ आएगा, 40,350 ये मेरा पिन पॉइंट डाउन साइड रहेगा कल या परसों, आई थिंक कल एक्सपायरी है तो कल ही आपको डाउन साइड आ जाना चाहिए। और लास्ट एंड एक्सपायरी डे का एक चेतावनी या सावधानी मैं आपको देता हूँ हर एक एक्सपायरी से पहले, वो क्या है, देखो आप अगर नॉर्मल डे में स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर पा रहे तो खास करके एक्सपायरी डे में बिल्कुल स्टॉक ट्रेडिंग मत कीजिए, खास करके एक्सपायरी डे में। ये मंथली एक्सपायरी है दोस्त, वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो मंथली एक्सपायरी में स्टॉक ट्रेडिंग मत कीजिए। दूसरी बात है सुबह सुबह आपको एक बेटर प्रॉफिट हो जाता है तो तीसरा प्रॉफिट यहाँ पे मत डालिएगा, तीसरा ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल मत डालिएगा। तो आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा, अगर बात को समझ में आ रहा है उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए, अदरवाइज कल का दिन छुट्टी बना लीजिए अगर आप मार्केट से सेफ रहना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।